वो है पर्टिकुलर ऐसे बैठ ऐसे बात कर रहा था। आपको यही बताऊंगी कि मेरे बचपन से मुझे बहुत शौक था म्यूजिक का, तो अपनी यू नो मेडिकल करियर को मैंने फॉलो किया, डॉक्टर बनी, लेकिन फिर भी मुझे गाने का बहुत ही शौक रहा है। तो यू नो मैंने अपना एक सपना था मेरा कि आई हैव टू डू म्यूजिक, आई हैव टू मेक एन एल्बम, और यू नो उसके बाद करती गई मैं। तो मेरी जर्नी अभी ही चल रही है एंड चलती जाएगी बिकॉज आई लव म्यूजिक सो मच। अगर आपकी प्लान की पास के बारे में बात करें, आपके मेडिकल करियर के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं लाइक आपके मॉम डैड ने कभी ऐसा बोला कि मेडिकल करियर छोड़ के क्यों सिंगिंग में जा रहा है? उन्होंने कभी ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला था कि यू नो जब मैं मेडिकल स्कूल में एडमिशन मुझे मिल रही थी तो तब मुझे ऑफर आया था कि एल्बम के लिए या म्यूजिक के लिए आप इंडिया चले जाओ, यू नो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। एंड एट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि नो फिनिश योर एजुकेशन फर्स्ट, पहले कुछ बन जाओ, यू नो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो हमारे इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं, तो उसके बाद अपना सपना जो भी है पूरा करना। तो फिर मैंने अपनी MBBS और MD दोनों करके डॉक्टर बन के मैंने उनको फिर बोला कि अब मेरा सपना है एंड आई विल नॉट स्टॉप। एंड साथ साथ तो मैं गाती ही रहती थी, तो यू नो इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स। नहीं आपकी जर्नी की बात करें तो आपने गाने की लाइक पहला आपका कौन सा शुरुआत हुआ रहेगा, लाइक वो कब आपको फील हुआ लाइक कि मैं लाइक इस इंडस्ट्री में के लिए तैयार हो गई? मेरा एक्चुअली 2001 में मेरी एक भजन कीर्तन की एल्बम मैंने की थी और वो सिर्फ शौक के लिए की थी। एंड फिर 2008 और 9 के बीच में आई वॉज लाइक अ लिटल लो इन माई पर्सनल लाइफ और मैंने सोचा कि यू नो मुझे कुछ चाहिए अपनी खुशी के लिए मुझे कुछ करना है। एंड वो मुझे हमेशा ही म्यूजिक के साथ मिलती थी खुशी। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी, आई वॉन्ट टू मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड तब मैंने पहली एल्बम संतोख सिंह म्यूजिक डायरेक्टर के साथ की थी और वो 2009 में रिलीज हुई थी मेरी पहली एल्बम बीबा बाय वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स। सो इस पंजाबी लाइक आपके जो एल्बम है उसके बारे में कुछ बताइए किस तरह का है? अभी जो न्यू सॉन्ग मेरा आ रहा है इट्स अ सिंगल, नॉट अ फुल एल्बम, इट्स अ सिंगल। एंड उस सिंगल का नाम है अखियां छू वस्ता। अखियां छू वस्ता में मैंने एक ओरिजिनल ट्रैक किया है जो म्यूजिक डायरेक्टर मनदीप धालीवाल कैनेडा से उन्होंने किया है, and also a remix version which is actually done by BTB Music from Montreal. BTB Productions, Soren Pavelesko actually is a Russian guy, Gora guy, jisne music banaya hai, aur uske sath ek rapper bhi hai Mr. Bali, Bharat Kapoor, jinhone rap kiya hai us gaane mein. So you know I'm really excited for this song, we've worked really hard, iska music video bhi New York mein shoot hua hai, so you know I hope people like it. आप अगर इस फिल्म का लाइक आपके इस एल्बम का कोई एक गाना या एक मुखड़ा आप सुना सकते हैं? जो ये गाना अभी रिलीज हो रहा है वो गाना मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ। इन अखियां च पावा के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा, इन अखियां च पावा के वे कजलावे, अखियां च तू वसदा। सो दिस इज वन लाइन फ्रॉम दैट सॉन्ग। हर सिंगर का एक पर्टिकुलर फोटे होता है, कोई पंजाबी लाइक गाता है, कोई क्लासिकल गाता है, तो कोई अलग अलग वैरायटीज में गाते हैं। आपकी कौन सी कोई एक पर्टिकुलर जो आपकी स्ट्रीम होगी जो आपको बहुत पसंद आती होगी? आई लाइक पंजाबी फोक, मुझे बॉलीवुड पॉप हिंदी गाने सब बहुत पसंद है, बट आई थिंक मेरी आवाज में एक फोक पंजाबी फोक का यू नो टच है, तो इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद है गाने के लिए। कोई आपका लाइक चाइल्डहुड से कोई आपका लाइक एक रोल मॉडल होगा जिनको आप फॉलो करती होंगी? यू नो एक रोल मॉडल नहीं है, आई थिंक कितने सारे लोग हैं, कितने सारे सिंगर्स हैं, कितने सारे टीचर्स हैं लाइफ में, और आप हर बंदे के साथ से एक एक क्वालिटी आप लेके आते हैं, यू नो। सो यू नो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं रोल मॉडल लाइफ में, आई थिंक माय फादर हैज बीन माय रोल मॉडल, हिज थॉट्स, हिज बिलीव्स, यू नो आई मीन माय पेरेंट्स, मॉम एंड डैड बोथ, यू नो।
बट इफ यू टॉक अबाउट म्यूजिक तो आई थिंक देयर आर सो मेनी अमेजिंग सिंगर्स और उन सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती आ रही हूँ. एट लास्ट आप इस एल्बम के लिए आप अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी कि आई हैव वर्क्ड रियली हार्ड ऑन दिस सॉन्ग. यू नो आप सबकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ और यू नो अभी भी मैं म्यूजिक कर रही हूँ. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन न्यू सॉन्ग्स एंड इट्स योर लव इट्स योर गुड विशेस फॉर मी एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक बीबा सिंगर मेरा फैन पेज है बीबा सिंह एंड ऑन ट्विटर ऑल्सो बीबा सिंह एंड यू नो कीप watching me on YouTube and on channels and listen to my song and I love you all. Thank you. बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा. आई मीन आई वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क रेज्ड इन न्यूयॉर्क सो कल्चर तो एकदम ही अलग है वहाँ पे. बट मुझे म्यूजिक का शौक हमेशा ही रहा था इंडियन म्यूजिक का क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया के हैं यू नो. सो मैं हमेशा ही गाती रहती थी वहाँ पे भी गुरुद्वारे जाते थे पंजाबी बोलते थे यू नो. सो वो चीज थी ऑलवेज. कभी लाइक ये आपको ऐसा जहन में कभी आया कि लाइक मेडिकल जो करियर थी मैंने जो पढ़ाई की है मैं कर रही हूँ यू नो. मैंने अपना क्लिनिक खोला है प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पे यू नो. बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं अपने मेडिकल फील्ड में लेकिन वो मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज इट्स लाइक एक लोगों की आप हेल्प कर रहे हो यू नो यू आर डूइंग समथिंग नोबल. लेकिन उसमें मेरा पागलपन नहीं है मेरा पैशन नहीं है. मेरा पैशन म्यूजिक में है यू नो. लाइक जब मैं कोई गाना गाती हूँ और मुझे एकदम अंदर से आती है वो चीज यू नो. तो कभी लाइक आपको मैनेज कैसे करते हैं? और होल डे आई एम गोइंग 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 और लाइक यू नो दिन के टाइम हॉस्पिटल जाना है रात को रिकॉर्डिंग करनी है वीकेंड पे यू नो. कभी टायर्ड ऐसा नहीं फील नहीं होता? होती हूँ. सो लाइक जब कभी कोई एक दिन आता है कभी कभी मैं क्रैश हो जाती हूँ लाइक आई जस्ट लिटरली स्लीप. अभी आई थिंक किस्मत के ऊपर है जब कोई राइट पर्सन मिले जो कोई समझने वाला हो प्यार करने वाला हो जब भगवान ने लिखा है तो हो जाएगा यू नो. लेट्स होप सो. आपको कोई प्रिय सपनों का कोई सौदागर को ऐसा होगा? आई होप सो. आई डोंट नो वेयर ही इज बट आई होप ही कम्स सून. आपकी आवाज में कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि अखिल में कोई तो सपना कोई आप सजो रही यू नो. लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स भी आई हैं खुशियां भी आई हैं सो अब मैं यही सोचती हूँ कि इट्स नॉट इन माई हैंड्स जो है वो खुद आएगा मेरे लिए और यू नो सब. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हम लाइक ऑलवेज आने जाने वाले हैं. हम हर साल जाते हैं एक्चुअली. मैं तो नहीं जा पाऊंगी. आई लिव इन यूएस नाउ. ओके. मैं वही बचपन से नहीं बचपन से आऊं से पर छोटे काफी छोटे से गाँव ही है.